साल है 300 BC। साइप्रस शहर में जेनो नामक एक बहुत अमीर आदमी रहता था। फिनिशिया से पीरियस के एक सी जर्नी के दौरान उसका सारा कार्गो समेत उसकी शिप डूब गई। उस एक घटना के कारण जो पूरी तरह से जेनो या किसी के कंट्रोल से बाहर थी, एक एक्सट्रीमली रिच ट्रेडर एक पल में अचानक से गरीब हो गया। इमेजिन आप जेनो थे, आपका पूरे जिंदगी का काम एक तूफान में खत्म हो गया, मतलब जीरो, समझ रहे हो ना? आपका रिएक्शन क्या होता? क्या आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे? क्या आप टूट नहीं जाएंगे? क्या आप उदास नहीं होंगे? क्या आपको ये नहीं लगेगा कि जीवन ने आपको धोखा दिया है? हम में से मेजॉरिटी के लिए ये सभी रिएक्शंस होना नॉर्मल है, लेकिन नॉट फॉर जेनो, द फादर ऑफ स्टोइसिज्म। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मदद मिलता है। स्टोइसिज्म का जो कोर प्रिंसिपल है वो है एक्सेप्टेंस और इंडिफरेंस। सोक्रेटिस और उन्हीं जैसे महान फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ने के बाद जेनो ने स्टोइसिज्म को क्रिएट किया और सिखाया। उनके अनुसार हालांकि हमारे साथ क्या होता है इस पर हमारा ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमें ये कैसे अफेक्ट करता है इस पर हमारा कंट्रोल रहना चाहिए। सिमिलरली डूबे हुए सामानों पर रोने के बजाय जेनो ने उस सिचुएशन में अपना कंपोजर बनाए रखने पर फोकस किया, अपने मिसफॉर्च्यून के बावजूद काम और न्यूट्रल बने रहे। आज लोग अनजाने में स्टोइक्स उन लोगों को कहते हैं जो अक्सर अपने इमोशनल एक्सट्रीम्स जैसे एंगर, एंग्जाइटी, इसको कंट्रोल कर पाते हैं। बट असल में इट वॉज मच मोर देन दैट। स्टोइसिज्म दुनिया को देखने और समझने का एक तरीका था। इट वॉज एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ that lasted for centuries. Stoic philosophy को आज के situations पर उसी तरह से apply किया जा सकता है जिस तरह से इसे हजारों साल पहले किया जाता था। Stoicism हमें negative emotions जो आते हैं from negative experiences इसको turn करने में मदद करता है, जिससे हमें world का एक अनोखा perspective मिलता है। समझ नहीं आया ना? Simple भाषा में खराब situation तो सबके साथ होता है, but Stoic philosophy उस situation को देखने का जो नजरिया है उसको बदल देता है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े स्टोइक्स की अगर हम बात करें तो उसमें शामिल है एपिक्टेटस जो कि एक स्लेव थे, सेनेका जो एक फेमस स्टेट्समैन था, और फाइनली द मोस्ट फेमस मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन एम्पायर एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेन टू हैव एवर लिव्ड। बट अचानक से मैं इनके नाम मेंशन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि गुलाम से लेकर सम्राट तक हर कोई स्टोइक फिलोसफी सीख सकता है, और हर किसी के पास कैपेबिलिटी है स्टोइसिज्म सीखकर उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का। पर स्टोइसिज्म को एक्चुअली जीवन में अप्लाई कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपना सारा पैसा एक कार खरीदने के पीछे लगा देते हैं, जबकि हमारे पास स्कूटर है और हमें कार खरीदने की कुछ नेसेसिटी नहीं है। सिमिलरली हम एक एक्स्ट्रा अपार्टमेंट खरीद लेते हैं। अब घर या गाड़ी खरीदने में कुछ बुराई नहीं है, पर स्टोइसिज्म कहता है कि अगर आपके लाइफ का ये अप्रोच रहा तो आप अपने खुशी को एक्सटर्नल फोर्सेस के हाथों सौंप देते हैं और आपके पास अपने खुशी का कोई कंट्रोल रहता नहीं है। स्टोइसिज्म ने लाइफ का एक हार्ड ट्रूथ बताया है, वो ये है कि रिगार्डलेस लाइफ से हम क्या चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमारे साथ होने वाली मेजॉरिटी चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल रहता नहीं है, लेकिन उन चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे कंट्रोल में रहता है। एक बढ़िया सा रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो सुनो। माना कि YouTube वीडियो बनाना रोमन एम्पायर जितना टफ तो नहीं है, बट स्टिल काफ़ी चैलेंजिंग है। पहले वीडियो का आइडिया फॉर्म करना पड़ता है और ये आइडिया सोचने में ही घंटों लग जाते हैं। फिर स्क्रिप्ट करना, फिर स्क्रिप्ट का सेकंड ड्राफ्ट करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, टाइटल, कीवर्ड, थंबनेल एंड एवरीथिंग एल्स बिफोर यू हिट दैट अपलोड बटन। अपलोड करने तक तो सब कुछ आपके ऊपर है, पर एक बार जब उस अपलोड बटन पर क्लिक कर देते हो उसके बाद द पावर शिफ्ट्स टू द YouTube एल्गोरिथम। सोचो अगर आप 20-30 घंटे एक वीडियो में डाल रहे हो और उसमें सिर्फ 40-50 व्यूज आ रहे हैं, और ये नहीं कि वीडियो खराब है, वीडियो का व्यूज टू लाइक रेशियो तगड़ा है, वीडियो का रिटेंशन बहुत अच्छा है, बट फिर भी खुद के सब्सक्राइबर्स तक ही वीडियो पहुंच नहीं रहा हो। क्यों? क्योंकि YouTube एल्गोरिथम जो आपके हाथ में नहीं है वो आपके वीडियोज को आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस को ही प्रमोट नहीं कर रहा है। ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया, खैर छोड़ो। इस सिचुएशन में स्टोइक्स टीच दैट आपके काम का जो सक्सेस है वो बेस्ड होना चाहिए ऑन द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट इन एंड नॉट ऑन द आउटकम्स ऑफ योर एक्सटर्नल होप्स। एक क्वेश्चन हमेशा रह जाता है कि इतने सालों बाद अचानक से अभी लोग स्टोइसिज्म की तरफ इंक्लाइन क्यों हो रहे हैं।
क्योंकि वर्ल्ड का जो करेंट स्टेट है ना, जहाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्स्टेंटली एडवर्टाइजमेंट्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम में स्टोइक फिलोसॉफीज का मैसेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर। पूरा दुनिया एक डिप्रेस फेज से गुजर रहा है बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन एंड कंपटीशन इन द सोशल मीडिया। हेट पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, बाद में देख लेना। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, ये सब तो बहुत पहले के एग्जाम्पल्स है। बात करते हैं एक रीसेंट टाइम के स्टोइक जिन्होंने अनफेयरली 27 साल जेल में बिताया है। समझ ही गए होंगे, इट्स नन अदर देन नेल्सन मंडेला। जेल से रिलीज होने के ठीक बाद ही वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए। तो पब्लिक ने ये सोचा कि वो अब उन सारे लोगों को ब्रूटली पनिश करेगा जिन्होंने उनको जेल में भिजवाया था, बट ऑफ कोर्स ही डिड नॉट। थ्रू आउट हिज टाइम इन प्रिजन, मंडेला ने मार्कस ऑरेलियस के काम को स्टडी किया एंड ही लर्न एंड प्रैक्टिस्ड द कोर वैल्यूज ऑफ स्टोइसिज्म। मंडेला ने ये एक्सेप्ट किया कि पास्ट उनके कंट्रोल के बाहर है, उनके कंट्रोल में है द प्रेजेंट। दैट्स व्हाई नेल्सन मंडेला अर्ज हिज पीपल टू रिलैक्स एंड रीबिल्ड। दिस इज द वे ऑफ द स्टोइक। और इसी के चलते साउथ अफ्रीका को आगे बढ़ने का रास्ता मिला और इवेंचुअली दे बिकेम अ बेटर नेशन। मेरा पर्सनल टेक इस वीडियो से ये है कि स्टोइसिज्म एक बहुत सही प्रिंसिपल है जो प्रमोट करता है एक्सेप्टेंस और इंडिफरेंस, जिसका मतलब सिंपली ये है कि सिचुएशन जो भी हो, ना ज्यादा खुश होना है ना ज्यादा दुखी होना है, और भगवद गीता में भी यही बताया गया है। बट रिसेंटली स्टोइक फिलोसॉफी इंडिया में पॉपुलर होने का मतलब ये है कि जब पूरा दुनिया हमारे स्पिरिचुअलिटी को अप्रिशिएट कर रहा है, हम अभी भी वेस्टर्न फिलोसॉफीज को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं। गीता कहता है योगी बनो, पर नहीं, हमको बनना है स्टोइक। इसी मेंटालिटी के वजह से इंडिया को हजारों सालों से फॉरेनर्स द्वारा रूल किया गया। जिस दिन ये मेंटालिटी बदलेगी ना, उस दिन ये देश बदलेगा। इसी नोट में वीडियो को एंड करते हैं। बताओ कमेंट्स में वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में।